पिछले कई दिनों चो मैं लगातार पंजाब दे विच अपने वर्कर साहबान नाल मीटिंग की थी, साड़ी लीडरशिप नाल गल की थी, ते अज श्रोमणी अकाली दल की सारी लीडरशिप बैठ के फैसला किया कि जेड़ी सरकार सेंटर की सरकार जेड़ी NDA की सरकार जिसने आ जिहड़े तिने ऑर्डिनेंस लियांदे है जिहड़े अपने पंजाब विरोधी है, सही बने ते देश दे किसानां दे विरोधी है, असी उस पार्टी दे उस NDA दा हिस्सा नहीं हो सकते। सो वड्डी खबर श्रोमणी अकाली दल BJP दे गठजोड़ नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है। जिस तरह के पहले खदशे से कि BJP का गठजोड़ टुट सकता है, 8 बजे असी मुद्दे की बात दे विच प्राइम टाइम दे विच इस गल की चर्चा की सी कि जो समीकरण पंजाब दे विच बने हुए ने क्योंकि किसानी दे मुद्दे ते आने वाली इलैक्शन दे मुढ़ वह बने जाएंगे। पंजाब एक पासे हो चुके हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक पासे हो चुकी है। BJP नाल श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ 1996 दे विच आया जदों प्रकाश सिंह बादल सरप्रस्त श्रोमणी अकाली दल, तो उस तो बाद अटल बिहारी वाजपेई सबका अते मरहूम प्रधानमंत्री भारत सरकार दे विच रहे, तां उस वेले काफ़ी नेड़ता सी प्रकाश सिंह बादल दी, तां उस वेले हालांकि बसपा नाल अकाली दल दा अलायंस सी पर श्रोमणी अकाली दल ने 1996 दे विच बिना किसी शर्त तो BJP नूं समर्थन दिता, BJP नूं समर्थन दिता सी श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों। हालांकि बसपा दे नाल उस वेले अलायंस दे विच श्रोमणी अकाली दल सी। 1997 दे विच जदों इलैक्शन सी पंजाब विधानसभा दी तां उस वेले भारतीय जनता पार्टी नाल गठजोड़ श्रोमणी अकाली दल दा सिरे चढ़िया। जदों रस्मी तौर पर इस गल दा ऐलान किया गया कि यह गठजोड़ समाजिक अते हिंदू सिख एकता का प्रतीक होवेगा, हिंदू सिख एकता का प्रतीक होवेगा, क्योंकि उस वेले श्रोमणी अकाली दल चाहता सी कि कोई कौमी पद्धर दे पार्टी उस नाल अलायंस करे, क्योंकि पंजाब दे विच कांग्रेस का दबदबा उस वेले सी ते BJP नूं मुनासिब समझिया गया कि BJP नाल रिश्ता जोड़ लिया जाए। तो श्रोमणी अकाली दल BJP दे रिश्ते 1997 तो लैके 2020 तक का सफ़र जो कुछ रहा वह भी हैरान कर देने वाला सी। हर 5 साल बाद जड़े बयानबाजी होंदी सी ते हुण भी रेड़का बरकरार सी, हालांकि किसानां दे मुद्दे तो पहला जेकर रेड़के की गल करी जाए तो वह बरकरार सी। सीटां दी वंड नूं लैके छोटे भाई ते वड्डे भाई वाली भूमिका नूं लैके कई तरह के जड़े सवाल सी वह उठते आए सी। BJP कहिंदी सी असी छोटे भाई वाली भूमिका नहीं निभा रहे बल्कि असी वड्डे भाई वाली भूमिका निभावांगे। अज जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की टीम ने मदन मोहन मित्तल नाल गलबात की, उन्होंने भी इस गल का जिक्र किया कि हुण असी 2394 वाले फार्मूले ते काम नहीं करांगे क्योंकि 2394 वाला फार्मूला वह सानू भी डोब दूगा तो अकाली दल नू भी डोब दूगा। मदन मोहन मित्तल नू इस गल का खदशा इस करके सी क्योंकि अकाली दल नू लैके एक वड्डी गल उन्होंने कही कि अकाली दल अपना आधार खो चुके है, अकाली दल किसानों का हतैशी बनन की कोशिश कर रहा है, पर जेकर 9423 वाला फार्मूला असी इंप्लीमेंट 2022 की विधानसभा चोण विच करांगे तां उह फार्मूला सानू भी डोब सकता है तो BJP नू भी डोब सकता है। पर रिश्ते ताड़ ताड़ हो चुके ने, राह वक्रे हो चुके ने, ये राह ही नहीं वक्रे होए बल्कि पंजाब की सियासत दे विच सब तो वड्डा धमाका कहा जा सकता है। 2020 दे विच सब तो वड्डा धमाका कहा जा सकता है कि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के राह वक्रे हो चुके हैं। विरसा सिंह बलटोहा साढ़े नाल इस खबर से जुड़े हुए हैं। बलटोहा साहब, असी सुखबीर सिंह बादल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, उन्होंने वड्डा फैसला लैण तो बाद इस गल का जिक्र किया कि असी NDA का हिस्सा नहीं रह सकते जदों एड्डी वड्डी गल केंद्र की सरकार ने पंजाब नाल कर दी, किसान नाल कर दी। किशन देखो, मैं तो पहले ही कह दिता है कि श्रोमणी अकाली दल एक सिद्धांतक पार्टी है, एक आइडियोलॉजी चलन वाली पार्टी है और हमेशा ही असी पंजाब के हितों पंजाब के हकों पंजाब के मसलों असी तरजीह दी है और अज जो पंजाब के नाल ही बहुत वड्डा धोखा जां बहुत वड्डा धक्का जिहड़ा किया जा रहा शरेआम किया जा रहा है और बारे गल करन दे बावजूद सुनवाई कोई नहीं हैगी, एक बजेद ने तो फिर जे बजेद होण जां हंकारी होण ते सुनवाई कोई ना करे जी ते फिर उत्थे बने रहना किसी तरह भी मुनासिब नहीं साडे वास्ते। ये सियासतां साडे वास्ते गठजोड़
ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ 2017 ਚ ਖਤਾ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ